व्यूअर्स जिन्हें देखें, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इन्होंने आपके वली भाई ने ऐसा काम किया है। इस तरह बोर्डिंग खुल चुका है, देखें आप, और इन्होंने अपना टिकट मिस कर दिया वली भाई ने, और मैं भी टेंशन में आ गया हूँ अभी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इस टाइम मैं कुआलालंपुर में हूँ और बुकित बिंदाक में अपने होटल से मैंने चेकआउट कर लिया, और हम लोग बेसिकली जा रहे हैं सिंगापुर, और सिंगापुर की फ्लाइट भी यहाँ से मिलती है कुआलालंपुर से, लेकिन हम बाय रोड जा रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ, मेरे साथ है इस टाइम सलमान भाई, तो बेसिकली हम बाय रोड जाएंगे और बाय बस जाएंगे और ये सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। हम बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, जो यहाँ से जो बस जाती है ना सिंगापुर के लिए, वो TBS स्टेशन है, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा TBS। ये यहाँ से बुकित बिंदांग से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के लिए आप ग्रैब भी ले सकते हैं, ग्रैब एप्लीकेशन जो टैक्सी का है। आप यहाँ से बस भी ले सकते हैं और ट्रेन भी ले सकते हैं। ट्रेन में आप 15-20 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं, तकरीबन 4-5 रिंगिट में, तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे साथ ये गाड़ी है, हमारा दोस्त आया हुआ है, तो हम इनके साथ जाएंगे और वहाँ पर जाके फिर टिकट लेंगे, और उसकी भी आपको बताएंगे कितने का टिकट मिलता है और कितना रास्ता है एग्जैक्टली, सारा कुछ। ठीक है, तो सलमान भाई आइए चलते हैं, फिर आए चलते हैं और आपको दिखाना है रास्ते के सीन। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम बुकित बिंदांग से यहाँ पहुँचेंगे TBS स्टेशन, ठीक है, और ये टिकट भी हमने परचेस कर लिया सिंगापुर जाने के लिए। एक घंटे बाद का टाइम, हमें ये टिकट 55 रिंगेट की पड़ी है, इन टाइम पे हमने ली है। अगर हम एक दिन पहले ले लेना तो 40-45 की भी पड़ सकती है, मतलब इतनी महंगी नहीं है। दूसरी बात यह कि ये बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ पर जो है कुआलालंपुर के अंदर, ये कहीं भी आप जा सकते हैं यहाँ से, मतलब है कि पूरा मलेशिया के अंदर। यहाँ से मैं ऑलरेडी एक बार जो है कैमरून हाईलैंड्स भी गया था, और शहर से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन अभी यह है कि टिकट हमने ले लिया है। अभी एक घंटे के बाद हमारी ये बस जर्नी स्टार्ट होगी, और बहुत इजी सिंपल सा तरीका था, लेकिन अगर एक दिन पहले हम लेते तो हमारी मर्ज़ी की टाइमिंग भी मिल जाती और सस्ती भी मिल जाती, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। अभी हम जाएंगे तो ये पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वंस अगेन, आप भी अगर आना चाहते हैं तो ये TBS स्टेशन है, ये स्क्रीन पर आपको वंस अगेन नज़र आ रहा है। यहाँ पर बाई ट्रेन भी आप आ सकते हैं बुकित बिंदांग से, बाई बस भी आ सकते हैं, और लाजमी बात है ग्रैब भी करके आ सकते हैं। हमें तो यासर खान ने जो है यहाँ पर ड्रॉप किया है, तो अभी आगे हम जाएंगे, वो जहाँ से प्लेटफॉर्म है जहाँ से बस जाती है, तो वहाँ से बस में सवार होंगे, और ये इसका स्टेशन भी आपको दिखाते हैं कि कैसा स्टेशन है ये TBS। अच्छा, यहाँ पे स्टेशन के अंदर जो है दुकानें हैं, मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स है और मार्केट्स है, रेस्टोरेंट्स भी है, छोटे छोटे कैफेज़ हैं, जहाँ से हम लोग तमाम चीज़ें परचेस कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर दरकार हो, और काफ़ी रश भी है। अभी हमने एक कॉफ़ी वगैरह परचेस कर लिया है, ये है प्लेटफॉर्म या इंतज़ारगाह जिसको हम कहते हैं, वो ये वाला है। इतना बड़ा है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट में भी नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा है, मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट से भी ये बड़ा है ये इंतज़ारगाह। तो यहाँ से अभी हम बस में बैठेंगे, जस्ट 20 मिनट रह गए हैं, उसके बाद आप सिंगापुर जाने वाली बस में बैठ जाएंगे, और मेरे ख्याल से तकरीबन 4 से लेके 5 घंटे तक का रास्ता है। कितना रास्ता है यार, पता है आइडिया? 5 आवर्स। अच्छा, 5 घंटे का रास्ता है, तो फिर कोशिश करेंगे कि आपको बस भी दिखाएं तफसील के साथ, और दूसरी जो चीज़ें रास्ते में आती है वो भी आपको दिखा दें, वो भी हम इंतज़ार करें। भैया ये ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाला है, आखिर तक देखना, बहुत मज़ा आएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना वली भाई ने कैसे वीडियो बनाई।
व्यूअर्स जिन्हें देखें, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इन्होंने आपके वली भाई ने ऐसा काम किया है। इस तरह बोर्डिंग खुल चुका है देखें आप, और इन्होंने अपना टिकट मिस कर दिया वली भाई ने, और मैं भी टेंशन में आ गया हूँ अभी। चलो वाले बोर्डिंग खुल गई, अच्छा देखें यार आगे पीछे देखें मिल जाएगा। वली भाई ये रहा, मेरा है ये, आपका है ये, ये मेरा है। मैं वही तो मैं अपना टिकट ढूंढ रहा था उस वक्त, ये आप वाला मैंने आपको उड़ा के अपनी जेब में डाल दिया, और आपने मेरा वहां पड़ा हुआ था जो मैंने आपसे पूछा। ये देखें इनका टिकट मिल गया फाइनली। बहुत यार टेंशन में हो गया था, मैं तो बोल रहा था कि सिंगापुर चले गया। फाइनली हम बस में बैठने के लिए रेडी हैं सिंगापुर जाने के लिए। थोड़ा सा लेट हुआ है यार, थोड़ी सा लेट हो गया। फाइनली बस में हम बैठ गए हैं, और ये अभी जब हमने देखा है ना, तो ये 2+1 है, ये दो सीट इस साइड पे है और एक सीट उस साइड पे है, और सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी बड़ी सीट्स है, यानी कि बहुत कंफर्टेबली हम इसमें बैठ भी सकते हैं, और आप नीचे देखे सामान रखने के लिए भी जगह है। लेकिन एक चीज़ जो ख़राब हुई है वो ये कि 15 मिनट ये लेट हुई है, अभी भी 15 मिनट ऊपर हो गए हैं लेकिन ये रवाना नहीं हो रही, तो पता नहीं अभी कितनी देर बाद ये चलती है। और बदकिस्मती है कि रात का टाइम है, हमने बहुत कोशिश की कि हम दिन को निकले, लेकिन रात है तो अच्छा बेस्ट व्यू तो नहीं आ सकता, लेकिन ये कि फिर कुछ ना कुछ व्यू आपको दिखाएंगे ज़रूर रास्ते में। फिर से एक मैसेज मैंने कहा, ये सीट जो है ये बेटर देन 380 है, ये 380 से ज़्यादा अच्छी सीट है, कंफर्टेबल है, आगे स्पेस ज़्यादा है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि रात का वक्त सोते हुए जा सकता हूँ। साढ़े 3 घंटे के बाद हमारे बस ने एक स्टॉप किया है यहाँ पे मलेशिया में, मेरे ख्याल से कोई जगह है क्योंकि अभी तक इमिग्रेशन नहीं आई है। ये हमारी बस है, और हम लोग सो गए थे बस में, अंधेरा था, तो ये कि हम कोई रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जगह है, दोनों तरफ ग्रीनरी है, जंगलात है, रोड बहुत स्मूथ है, अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। और बस तो जैसे आपने देखी है, बस तो बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर रोका है 25 मिनट के लिए, स्टॉप किया है, सिर्फ एक ही स्टॉप होगा मेरे ख्याल से जिसमें किसी को अगर वॉशरूम यूज़ करना है या कुछ लेना है या खाना पीना है तो ये कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये जौर बारू के आसपास का एरिया है पूरी। फाइनली दोस्तों 4 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पहुँच गए हैं, और यहाँ से पहले आ रहा है मलेशिया का इमिग्रेशन, उसके बाद सिंगापुर का आएगा।
मलेशियन इमिग्रेशन 2 मिनट के अंदर हो गया है और अभी हम आगे जा रहे हैं, एग्जिट मिल गई है, बाकी जा रहे हैं सिंगापुर आएगा अभी, तो वहाँ के इमिग्रेशन के बाद हमारी बस वेट कर रही है। बस असल में आपको उतार देती है, फिर आपको इधर आना पड़ता है इमिग्रेशन ऑफिस, यहाँ से जब सारा कुछ हो जाए कस्टम इमिग्रेशन सारी चीज़ें, फिर आगे बस खड़ी होगी तो दोबारा से बैठना पड़ेगा। सारे लोग इतना रश तो है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए काउंटर पर, तो बहुत जल्दी से हो जाता है सारा कुछ। गुड मॉर्निंग गाइज, ये अगली सुबह है। बेसिकली मैं रात को वहाँ से पहुँच गया हूँ खैर खैरियत से सिंगापुर, और कंट्री नंबर 58 में मैं दाखिल हो चुका हूँ। लेकिन सबसे पहली जो अपडेट आपको मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे वहाँ पे बॉर्डर पे रोक लिया था और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, क्योंकि मेरा नाम मैच हो गया था किसी दूसरे बंदे के साथ जिसका नाम बिल्कुल मेरा अब्दुल वली खान था, तो उसके साथ मेरा नाम मैच हो गया था, लेकिन मेरा कोई डेट ऑफ बर्थ उसके साथ नहीं मैच हो रही थी, तस्वीर नहीं मैच हो रही थी, सिर्फ नाम मैच हुआ था डेटाबेस के अंदर। तो उस वजह से उन्होंने फिर मुझे 1.5 से 2 घंटे तक रोक लिया और फिर हमें दोबारा दूसरी बस में बैठे, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी कोई थी नहीं, तो दूसरी बस में हम बैठे। हमने उसको पे किया तकरीबन, एक बंदे का, हम लोग 2 बंदे थे तो हमने उसको 40 रिंगिट पे किया, तकरीबन 10 से 15 सिंगापुरियन डॉलर जो है, या US डॉलर आप कह सकते हैं कि $10 हमने उसको पे किया, क्योंकि उसके बाद जो है 5-6 किलोमीटर का और रास्ता था और थोड़ा सा जो है इसने मज़ा ख़राब कर दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे हम चलो एंटर हो गए। तो रात बहुत देर हो गई थी, 1-2 बजे हम यहाँ पर पहुँचे और फिर हमें जो नुकसान हुआ वो ये हुआ, बहुत सारे हमें नुकसान हुए, लेकिन एक जो नुकसान हुआ, हमने यहाँ पर हॉस्टल किया हुआ था, ये लिटिल इंडिया है सिंगापुर के अंदर, तो वो हॉस्टल वाला जो है बंद था, वो रिसेप्शन बंद थी, तो हमने फिर ये जो है हॉलीडे इन होटल में जो है बुक कर लिया रूम उसी ऑन द स्पॉट, क्योंकि दूसरे हॉस्टल भी नहीं मिल रहे थे और ये जो है बहुत महंगा है, $200 का है तकरीबन सिंगापुरियन डॉलर। तो अभी जो है आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ पूरा एक्सपीरियंस जो है, TBS स्टेशन से हमने स्टार्ट लिया। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक दिन पहले आप टिकट लो बस का, तो आपको ईजी पड़ेगा, मतलब है कि ऑनलाइन आप ले सकते हैं, कम रेट पे भी पड़ेगा और अपने टाइमिंग के हिसाब से पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देर से आते हैं तो फिर ये मसले हो सकते हैं। उसके अलावा अपने पास याद रखे हमेशा कि होटल बुकिंग और फ़्लाइट जो है रिटर्न या ऑनवर्ड्स की फ़्लाइट वो अपने पास ज़रूर रखे, वरना आपको मुश्किल आ सकती है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जब हम बॉर्डर पहुँचे, मैं तो समझ रहा था कि एक ही जगह पे होंगे दोनों बॉर्डर सिंगापुर और मलेशिया के, लेकिन मलेशिया का बहुत दूर था, वहाँ पे पहले इमिग्रेशन आपका एग्जिट हो जाता है, फिर तकरीबन 5-6 किलोमीटर जो है बस आगे जाती है और आगे जाने के बाद जो है फिर आता है सिंगापुरियन जो है इमिग्रेशन, तो आपने वहाँ से अपना सारा सामान उठाना है, बस में कोई सामान नहीं छोड़ना, क्योंकि इमिग्रेशन ने अगर आपको रोक लिया और दूसरे लोगों के साथ आपकी इमिग्रेशन नहीं हुई तो फिर ये होगा, बस आपसे निकल जाएगी, बस आपके लिए रुकेगी नहीं। तो आप अपना पूरा सामान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने वहाँ से अपना सामान निकालना है और ये चंद तदाबीर है, ये आपने एहतियात करनी है और बस। बाकी ट्रैवलिंग है यार, ये चीज़ें हो जाती है हमें, बाकी काफ़ी नुकसान हुआ है कि वो हमारा हॉस्टल मिस हो गया, ये रूम हमने दूसरा ले लिया, वो बॉर्डर से हमने दूसरी बस करनी पड़ी, तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी जो है बहुत ज़बरदस्त वंडरफुल जर्नी थी और हमने आपको दिखानी थी, ताकि अगर आप आना चाहते हैं बुकित बिनतांग मलेशिया से, तो वहाँ पे आप कैसे मतलब है कि ये लेंगे और किस तरह एंजॉय कर सकते हैं ये सारा। तो अब हम सिंगापुर आए हैं, अब आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो ज़रूर वॉच कीजिए। सिंगापुर के हवाले से तमाम चीज़ें मैं इस सीरीज़ के अंदर कवर करूँगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो, और आने वाली वीडियो के लिए जो है बेल के आइकन पर ज़रूर दबाएँ मेरे चैनल के अंदर।